बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फास्ट चार्जिंग या फिर स्लो चार्जिंग में डिफरेंस क्या है। दूसरी चीज़, क्या फास्ट चार्जिंग या फिर नॉर्मल चार्जिंग हर मोबाइल में काम करती है। तीसरी चीज़, क्या फास्ट चार्जिंग आपके फ़ोन की बैटरी को डैमेज कर सकती है क्या। सो गाइज, ये सभी डाउट इसी वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, तो बन रहे हैं मेरे साथ इस वीडियो में। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम अजय यादव, अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल। तो चलिए इस डाउट को आउट करते हैं। सो गाइज, हर फोन के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वोल्टेज की जरूरत होती है, जिससे मोबाइल का चार्जर वोल्टेज प्रोवाइड करता है आपके फ़ोन के लिए। जो नॉर्मल चार्जर होता है वो अपना वोल्टेज कॉन्स्टेंट लेवल में प्रोवाइड कराता है, और आपके फ़ोन में वोल्टेज या फिर करेंट को आपका चार्जर एक ही लेवल से या फिर कॉन्स्टेंट लेवल से प्रवाह करता है, जिससे हम नॉर्मल चार्जिंग या फिर स्लो चार्जिंग के नाम से जानते हैं। देखिए कि चार्जर को फास्ट चार्जिंग कब बोलते हैं। यदि आपका चार्जर अधिक से अधिक वोल्टेज को फ्लो कर रहा होता है, तो डेफिनेटली वह अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर रहा होता है। और कोई चार्जर अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करेगा तो वो आपके फ़ोन को जल्दी या फिर क्विक या फिर टर्बो या फिर फास्ट चार्ज कर सकता है। इसी को बोलते हैं फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी। सिंपल भाषा में, आपका चार्जर जितना अधिक वोल्टेज को प्रवाह करेगा उतना अधिक इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करेगा, और जितना अधिक इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करेगा उतना ही जल्दी आपका फ़ोन चार्ज होगा। अब बात करते हैं कि कोई फ़ोन जैसे कि Redmi Note 9 Pro Max, वह फ़ोन में 0 से 50% होने में 30 मिनट का समय लगता है, जबकि 50% से 100% होने में 1 या 1.5 घंटे के समय लगता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, किसी फ़ोन में इस प्रकार के टेक्नोलॉजी इसलिए यूज किया जाता है कि आपकी बैटरी की लाइफ इंक्रीज हो जाए, या फिर जो यूजर का एक्सपीरियंस है वो भी अच्छी हो। और यह सही बात है, अगर आपका फ़ोन 1 घंटे में 0 से 100% हो जाए तो उसका तो सबसे पहले बैटरी का ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी, दूसरी बात उसका चार्ज कम समय के लिए रह सकता है। ये हर फ़ोन के लिए अलग अलग हो सकता है। सो इसीलिए आपके फ़ोन में ऐसा टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है कि 0 से 50% होने में कम समय लगेगा, यानी फास्ट चार्जिंग में होगा। अब 50 से 100 के बीच में आपका फ़ोन स्लो चार्जिंग में चार्ज होगा। फिलहाल में ऐसा ही फ़ोन आ रहा है कि आप यदि रात में अपने मोबाइल को चार्ज में लगाकर सो जाओ तो सुबह जब उठोगे तब 100% होगा, ना कि पहले ही होके उसी में गर्म होते रहेगा, हीट होते रहेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। अभी टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ चुका है, तो इन सभी टाइप के फ़ोन में इसी टाइप का टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। अब बात करते हैं कि क्या नॉर्मल चार्जिंग या फिर फास्ट चार्जिंग हर फ़ोन में सपोर्ट कर सकता है क्या। देखिए, जो नॉर्मल चार्जिंग है वो हर फोन में सपोर्ट कर सकता है, लेकिन जो फास्ट चार्जिंग होता है वो हर फोन में सपोर्ट नहीं कर सकता है। अगर आपके पास नॉर्मल चार्जिंग वाला फ़ोन है तो वो फास्ट चार्जिंग से भी चार्ज करो तो नॉर्मल ही चार्ज होगा, और आप स्लो चार्जिंग वाला चार्जर से चार्ज करो तो नॉर्मल ही चार्ज होगा, तो इसमें तो कोई सेंस नहीं बनता है फास्ट चार्जिंग का। लेकिन अगर आपके पास फास्ट चार्जिंग वाला फ़ोन है तो मोस्ट ऑफ द केस आपको उसी कंपनी का चार्जर यूज करना होता है आपके फ़ोन को फास्ट चार्जिंग करने के लिए। अगर आपका फ़ोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है तो फास्ट चार्जर के साथ साथ उसमें जो केबल लगी होती है उसको भी फास्ट केबल की ज़रूरत पड़ सकती है। देखिए, केबल भी दो प्रकार के हो सकते हैं, डेटा केबल या फिर सिंक केबल, और या फिर नॉर्मल चार्जिंग केबल। जो डेटा केबल या फिर सिंक केबल होता है वो थोड़ा फास्ट होता है, जो चार्जिंग केबल होता है वो तो चार्ज करने के लिए होता है और स्लो भी होता है। अब बात करते हैं कि क्या फास्ट चार्जिंग आपके फ़ोन के बैटरी को डैमेज कर सकता है क्या। जी हाँ, ये आपके फ़ोन के बैटरी को डैमेज कर सकता है, लेकिन ये सब प्रक्रिया काफ़ी स्लो होता है, जिससे आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब मेरा बैटरी की लाइफ अब कम हो रही है। देखिए, फास्ट चार्जिंग बहुत ही ज़्यादा गर्मी को प्रोड्यूस कर देता है। जैसे कि मेरा फ़ोन Vivo U20 है, इस पर वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं Vivo U20 के बारे में। मेरा फ़ोन बहुत ही हीट होता है क्योंकि इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कोई चार्जर अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करेगा तो वो आपके फ़ोन को जल्दी चार्ज कर सकता है, लेकिन वो जल्दी हीट भी कर सकता है। आजकल तो कई कंपनियों के फ़ोन में ऐसा मैकेनिज्म आ रहा है कि जब आपका फ़ोन अधिक हीट हो जाती है तो आपके स्मार्टफोन आपके चार्जर के पास सिग्नल भेजेगा कि भाई मैं ज़्यादा हीट हो चुका हूँ, थोड़ा कम वोल्टेज दें कि मैं पहले की अवस्था में वापस आ सकूँ। तो आपके चार्जर को सिग्नल मिलने के बाद वह आपके फ़ोन को स्लो चार्ज या फिर नॉर्मल चार्ज कर सकता है। अगर आपका फ़ोन स्लो चार्ज होगा तो वो कम हीट होगा, और कम हीट होगा तो आपके बैटरी लाइफ भी बढ़ेगी और आपकी मोबाइल की लाइफ भी बढ़ सकती है। सो गाइज, फास्ट चार्जिंग या फिर नॉर्मल चार्जिंग के एडवांटेज की बात करूँ तो इसके आने वाला वीडियो वही है, मेक श्योर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो गाइज, अब मैं आपके साथ दो ऐसे प्रिकॉशन शेयर करता हूँ कि जिसको आप फॉलो करते हो तो आपकी बैटरी लाइफ बढ़ सकती है। पहली बात, आप अपने फ़ोन को पूरा 0% ख़त्म होने के बाद चार्ज में ना लगाएं।
अगर आपका फ़ोन 10 या 15% है तो आप उसको चार्ज में लगा सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी बैटरी की लाइफ कम हो सकती है। और आप जानते होंगे कि बैटरी को नया लगाने में कितना प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपका बैटरी आपके फ़ोन के अंदर ही फिट रहता है, जिसको निकालने या फिर चेंज करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी बात, कई लोग ऐसे होते हैं कि अपने फ़ोन को बार बार चार्ज में लगाते रहते हैं। 10% ख़त्म हुआ चार्ज में लगाएंगे, 5% ख़त्म हुआ तो फिर चार्ज में लगाएंगे। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि चार्जिंग या डिस्चार्जिंग का जो साइकिल होता है आपके बैटरी में, वो रिड्यूस हो रहा होता है। जब आपकी बैटरी का साइकिल कम होगा, यानी चार्जिंग या डिस्चार्जिंग का साइकिल कम होगा, तो आपके बैटरी का लाइफ भी काफ़ी कम हो सकती है। और ये सभी सावधानी आपको बरतनी चाहिए, क्योंकि आपकी बैटरी तो बार बार लगने वाली नहीं है। तो इसलिए इन सभी बातों पर ध्यान दीजिए और आपके फ़ोन की बैटरी का लाइफ इंक्रीज कीजिए। सो गाइस, आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना सुझाव देना बिल्कुल मत भूलें। यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।